Good morning children. Yesterday we have started the chapter combustion and flame, and I have given the activity 6.1 in homework. So match your answers. Wood is combustible, paper is combustible, iron is not combustible, kerosene oil combustible, stone piece non combustible, straw combustible, charcoal combustible, matchstick combustible and glass is non-combustible. So today we will continue the next activity, and this activity is show that air is essential, necessary for burning. Okay, for in this activity we do this setup. In this activity we take a lighted candle and fix on the table. Here see the three pictures of the candles. In first picture, the lighted candle fixed on the table, and we take also two wooden pieces under it, under the jar. Okay, and in second setup, we take a lighted candle and keep the glass jar on it. In third setup, we take a lighted candle and take a glass jar on it and cover the glass jar with a plate, glass plate or any other wooden plate. ठीक है, तीन कैंडल ली हमने, टेबल पर इसको फिक्स कर दी. फर्स्ट टेबल पर जब हमने कैंडल को फिक्स किया तो दो हमने वुडन की ब्लॉक भी ली, ब्लॉक्स लिए और उसके ऊपर ग्लास जार को रख दिया. इट मीन्स हेयर इज अ गैप, यहाँ पर गैप है, थोड़ा सा ऊंचा है ग्लास जार, वुडन पीस पे रखा है इसीलिए ये थोड़ा सा यहाँ से ओपन है, यहाँ से इजीली एयर एंटर करती है. इन सेकेंड सेटअप हमने ग्लास जार लगा दिया, ओके, लेकिन उसको ऊपर से कवर नहीं किया और नीचे वुडन ब्लॉक नहीं लगाई, तो यहाँ पर गैप नहीं है, टेबल और ग्लास जार के बीच में गैप नहीं है, तो यहाँ से एयर एंटर नहीं करेगी. एयर सिर्फ कहाँ से जाएगी? ऊपर से, क्योंकि ऊपर से हमने सेकेंड कैंडल को कवर नहीं किया. आफ्टर दैन इन थर्ड सेटअप, थर्ड सेटअप हमने किया कि फिक्स किया कैंडल को टेबल के ऊपर, ग्लास जार भी रख दिया उसके ऊपर, और ओपन एंड को हमने ग्लास प्लेट से या फिर वुडन की प्लेट से कवर कर दिया. ओके, नाउ दिस इज द प्रोसेस. आफ्टर दैन व्हाट विल वी ऑब्जर्व, क्या हमने देखा? वी ऑब्जर्व दैट इन फर्स्ट केस में एयर इजली एंटर थ्रू द गैप, या नीचे से एकदम से आसानी से एयर एंटर करती है, ओके, और ऊपर से भी ओपन है तो एयर की अवेबिलिटी है, सफिशियंट एयर कैंडल को मिल रही है, इसीलिए फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है, वो बर्न कर रही है. सेकेंड में जो फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है वो फ्लिकर करती है, क्योंकि नीचे से तो एयर ईजिली एंटर नहीं कर रही है, बस ऊपर से आ रही है, तो उसकी जो फ्लेम प्रोड्यूस होती है वो फ्लिकर करती है. ओके, फ्लिक करते हुए यानी कि थोड़ी देर के लिए ऐसे ऐसे हिलते हिलते वो बुझ जाती है और स्मोक प्रोड्यूस करती है. इन थर्ड केस कैंडल ऊपर से, कैंडल बर्न करती हुई रखी थी हमने और ऊपर से उसको कवर कर दिया. वी विल ऑब्जर्व दैट दिस कैंडल बर्न्स फॉर फ्यू सेकेंड्स और अ मिनट, कुछ मिनट के लिए या सेकेंड के लिए बर्न करती है और फिर बुझ जाती है. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तक इस ग्लास जार के अंदर एयर थी तब तो कैंडल को सफिशियंट एयर मिल रही थी और वो बर्न कर रही थी, लेकिन जैसे ही हमने ऊपर से कवर कर दिया था और जितनी एयर थी बर्निंग होने में सपोर्ट किया, बर्न हुई कैंडल, और जब एयर फिनिश हो गई, ख़त्म हो गई, ऑक्सीजन का अमाउंट ख़त्म हो गया, तो उसने बर्न करना बंद कर दिया. सो कंक्लूजन क्या निकला? व्हाट इज द कंक्लूजन? द कंक्लूजन इज दैट एयर सपोर्ट द बर्निंग. एयर इज असेंशियल, इट मीन्स ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द बर्निंग. कि बर्न होने के लिए, किसी भी सब्सटेंस को बर्न होने के लिए किसकी नीड है? ऑक्सीजन की, एयर की. विदाउट एयर ऑक्सीजन एंड सब्सटेंस डज नॉट बर्न. आफ्टर देन टर्न द पेज एंड सी हेयर एक्टिविटी 6.3.
In this activity, we also take a burning wood or charcoal. It means coal piece on a tawa. Cover it with a glass jar. इसको भी हमने cover किया glass jar से. Okay, so what will happen? हम observe करते हैं कि क्या हुआ. क्या इसमें charcoal stop कर देता है कुछ time बाद? इसमें कर देता है, क्योंकि कोई भी burning चीज में अगर हम glass jar लगा रहे हैं, it means हमने air को उस combustible substance तक ले जाने से रोक दिया, तो उसको अवेलेबल नहीं होगी एयर, और जो भी सब्सटेंस है जिसको जो बर्न कर रहा है वो धीरे धीरे करके बुझ जाएगा. ओके, नाउ सी चिल्ड्रन, हेयर देयर आर सम एग्जांपल्स आर गिवन. ओके, लुक हेयर, यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर द पर्सन इज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश द फायर. कि किसी पर्सन को अगर के क्लोथ में आग लग गई है तो उसको ब्लैंकेट कवर करने के लिए, रोकने के लिए, जलने से बचाने के लिए ब्लैंकेट क्यों कवर किया जाता है? क्योंकि ब्लैंकेट क्या करता है, एयर की सप्लाई को रोकता है. जो क्लोथ फायर लगी हुई है वहाँ तक एयर के कॉन्टैक्ट में आने से रोकता है, और इसीलिए जो बर्निंग पर्सन है जिसको कैच हो गई है, फायर लग गई है उसमें, को हम ब्लैंकेट से कवर करते हैं. नाउ मैचेस्टिक बर्न, डज अ मैचेस्टिक बर्न बाय इटसेल्फ? हाउ डज इट बर्न? कि मैचेस्टिक अपने आप बर्न करती है? नहीं करती. वो कैसे बर्न करती है? जब हम उसको स्ट्राइक करते हैं. वॉट इट आफ्टर दैट, हेयर सम ऑब्जर्वेशन, सम एक्सपीरियंसिस दैट यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर. डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैचेस्टिक इज ब्रॉट नियर इट? कि एक बर्निंग मैचेस्टिक को पेपर के पास ले जाते हैं तो बर्न हो जाता है पेपर. बट अगर एक लाइटेड मैचेस्टिक को वुडन पीस के ऊपर ले के पास लेकर गए हैं तो वुडन पीस नहीं बर्न होता. ओके, पेपर तो एकदम से कैच कर लेती है फायर को, लेकिन वुडन पीस नहीं करता. सेम ऐसे अगर ड्राई लीव्स हैं तो वो मैचेस्टिक से भी बर्न हो सकती हैं, लेकिन वेट लीव्स हैं, वेट मीन्स अगर गीली है, मॉइस्चर है लीव्स, तो मॉइस्चर है लीव्स के अंदर, तो वो कैच नहीं करती हैं फायर को. तो क्यों नहीं करती हैं? वो इसीलिए नहीं करती हैं कि जितने भी सब्सटेंस हैं, कम्बस्टिबल सब्सटेंस हैं, उनका अपना अपना टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर की वो कैच करती है फायर को. तो वो टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस का, कम्बस्टिबल सब्सटेंस का, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कि वो फायर को कैच करती है उसे बोला जाता है इग्निशियन टेम्परेचर. ओके, इट इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशियन टेम्परेचर. तो हर एक सब्सटेंसेस का, कम्बस्टिबल सब्सटेंस का अपना अपना इग्निशियन टेम्परेचर होता है जिस पर कि वो फायर को कैच करता है. सो चिल्ड्रन, रीड दिस टॉपिक, दिस चैप्टर फ्रॉम योर बुक. ओके, आई विल आंसर क्वेश्चन टुमारो फ्रॉम दिस टॉपिक. नाउ ओपन द एक्सरसाइज एंड टूडेज वर्क इज डू द फिलअप्स. ओपन पेज नंबर 75 एंड सी द फिलअप्स. फर्स्ट, बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल causes pollution. So write here pollution, pollution, pollution of air. After then second, a liquid fuel used in home is, एक liquid fuel जो घरों में use किया जाता है, that is kerosene. Okay, what is kerosene? After then third, फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स, अभी बताया कि हर एक सब्सटेंस का क्या होता है, इग्निशियन टेम्परेचर, बर्निंग टेम्परेचर जिस पर कि वो किसी फायर को कैच करती है, तो उस टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, इग्निशियन टेम्परेचर. ओके, सो स्पेलिंग IGNITION, इग्निशियन टेम्परेचर, TEMPERATURE, इग्निशियन टेम्परेचर. आफ्टर देन फायर प्रोड्यूस बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर, क्योंकि वाटर हैवी होता है और ऑयल लाइट होता है, तो जब हम ऑयल, वाटर के ऊपर अगर ऑयल डालते हैं तो वो स्प्रेड हो जाता है. तो सेम ऐसे ही अगर ऑयल की वजह से फायर लगी है और अगर हम सोचें कि वाटर डाल के बुझ जाए तो ऐसा नहीं होगा, वो और स्प्रेड करेगी. सो डू these fill-ups in your notebook
and in book also. Thank you.